एक स्टिंग ऑपरेशन और दिल्ली से मुंबई तक खिला क्रिकेट जगत, जो खिलाड़ी जहां था वहीं रुक गया। इंजेक्शन का खुला राज तो जय शाह के माथे पर भी आ गया पसीना। बुमराह विराट सबकी खुली पोल। संजू शिखर राहुल का क्या होगा, शुभमन का क्या भविष्य है, चीफ सेलेक्टर ने खुफिया कैमरे पर बताई हर बात। बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा से जब खुफिया कैमरे पर एक के बाद एक कई सवाल पूछे गए तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। ये स्टिंग ऑपरेशन जी न्यूज का है, जिसने अपने पड़ताल में ऐसी ऐसी पोल खोली कि टीम इंडिया का जो खिलाड़ी जहां था वहीं रुक गया। जय शाह भी टीवी का वॉल्यूम बढ़ाकर एक एक दावा सुन रहे होंगे। आप भी सुनिए टीम इंडिया का इंजेक्शन वाला राज क्या है। कोई भी खिलाड़ी छोटी मोटी चोट की वजह से बाहर नहीं होना चाहता, ऐसे में वो कोने में जाकर इंजेक्शन ले लेता है और फिर कहता है मैं तो फिट हूँ सर। हम भी उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि अगर पेन किलर लेंगे तो एंटी डोपिंग टेस्ट में आ जाएगा, उसका प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, पर जो इंजेक्शन है वो डोपिंग टेस्ट में नहीं आता। ये इतने बड़े सुपरस्टार हैं, घर पर डॉक्टर्स आ जाते हैं, इंजेक्शन लगा जाते हैं। मतलब टीम इंडिया के बड़े सुपरस्टार भी इस खेल में शामिल हैं और इसकी वजह सिर्फ यही है कि कोई भी अपनी जगह नहीं खोना चाहता। जिन्हें जगह खोने का डर है और थोड़ी बहुत चोट लगी होगी वो शायद इस खेल में शामिल हो। ये दावा इसलिए मजबूत लगता है क्योंकि दादा के जाते ही जब रोजर बिन्नी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने तब उन्होंने कहा कि हम खिलाड़ियों की चोट पर विशेष ध्यान देंगे। रविंद्र जडेजा लंबे समय की चोट के बाद टीम में वापस लौटे। टीम इंडिया बांग्लादेश दौरे पर गई थी तो कुलदीप सिंह एक ही मैच के बाद चोटिल हो गए थे। अक्षर पटेल की इंजरी की शिकायत आई। रोहित से लेकर पांड्या तक हाल के दिनों में चोटिल हुए हैं, जिसके बाद ये सवाल उठे कि क्या एनसीए ढंग से काम नहीं कर रहा है क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट वही जारी करता है। चेतन शर्मा का दावा है कि बुमराह वर्ल्ड कप में जाना चाहता था लेकिन दूसरा मैच खेलते अनफिट हो गया। उसने तो कहा था कि वो खेलना चाहता है पर झुकी नहीं पाएगा तो खेलेगा कैसे, मतलब जांच हुई तो कईयों की नौकरी जा सकती है। बातों ही बातों में चेतन शर्मा ने यह भी बता दिया कि ईशान किशन के दोहरे शतक की वजह से शिखर धवन, संजू सैमसन और केएल राहुल का वनडे करियर करीब करीब चौपट हो चुका है। यहाँ आराम के नाम पर परमानेंट आराम देने का खेल चल रहा है क्योंकि खिलाड़ी इतने हैं और जगह काफी कम। हालांकि असल खुलासा भी बाकी था और वो था विराट और दादा की लड़ाई का किस्सा। जब उनसे पूछा गया कि सौरव गांगुली ने झूठ बोला या विराट ने, तो चेतन शर्मा बोले सौरव गांगुली ने जब विराट से कहा था कि अभी कप्तानी मत छोड़ो, सोच लो एक बार, तब मैं भी वहां था, 9 लोग थे, लेकिन हो सकता है विराट ने वो बात नहीं सुनी हो और मीडिया में आकर ये कह दिया हो कि दादा से मेरी इस बारे में बात ही नहीं हुई। चेतन शर्मा के दावे के मुताबिक कोहली ने झूठा दावा किया। हालांकि कोहली के फैंस कभी इस दावे को स्वीकार नहीं करेंगे। चेतन शर्मा के इस खुलासे से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट में बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।